हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ उमर का यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं हूँ उमर। वीडियो अपलोड देने में मेरा थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स, तो इसके लिए सॉरी। और दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का जो रिक्वेस्ट है वो रखने का। ओके दोस्तों, और आज का वीडियो में हमें एक ब्रेसलेट देखेंगे दोस्तों, और इस ब्रेसलेट में हम पूरा ब्रेसलेट देखेंगे। ओके, यानी कि इसका जीवी कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसेस मैं आप सबको दिखाऊंगा आज, और जितना हो सके बहुत ही इजी तरीके में ये ब्रेसलेट आप सभी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मेरे साथ में रहेंगे दोस्तों, और एक एक स्टेप को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, बहुत सारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अच्छा लगे, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे करना ये होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस फ्रंट व्यू को ओपन करता हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ से एक लेना होगा सर्कल, यानी कि मेरा ब्रेसलेट का जो साइज वगैरह होगा ना वो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सर्कल लेना पड़ेगा, यहाँ से जीरो एंटर करता हूँ, करने के बाद 57.1 का एक सर्कल बनाता हूँ, यानी कि ये मेरा जो साइज है ना, ये साइज बनेगा 2-4 आने का। ठीक है दोस्तों, 2-4 आने का मतलब होता है कि हमारा इस ज्वेलरी लाइन में ये ब्रेसलेट 2-2 आना 2-1 आना इस टाइप का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एमएम में कैलकुलेशन करके ये 57.1 mm का आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक बार डायमीटर चेक कर लेते हैं, ये देखिए 57.10। ठीक है दोस्तों, अब इसको करना होगा रोटेट, यहाँ से रोटेट पकड़ के जीरो इंटर करिए, इस इंट को पकड़ के एकदम नीचे में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, लेने के बाद इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ से कम करना होगा, कैसे देखिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक लाइन मुझे बोथ साइड लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक। ठीक है, करने के बाद आप देखिए, ये जो मेरा सर्कल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm तक कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ से 5 mm में नीचे करता हूँ, और यहाँ से मैं 5 mm ऊपर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, करने के बाद ये जो मेरा सर्कल है ना, पहले रुकिए, ये चीज़ को मैं सॉरी, ये लाइन को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, करने के बाद ये जो मेरा सर्कल है इसको कम करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से स्केल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जीरो एंटर करके बिल्कुल इस इंट से लेके एकदम इस इंट तक, ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये एक ओवल शेप बन गया, यानी कि मेरा ब्रेसलेट जो बनेगा ना उसका ये साइज बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब करने के बाद ये जो कार्व है और ये जो कार्व है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, करने के बाद यहाँ से मुझे इसका जो आईडी वगैरह होगा वो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 2 पॉइंट का सर्कल बनाऊँगा, बनाने के बाद यहाँ से ले कर 2.5 तक मैं इसका ऊपर में हाइट रखता हूँ, सॉरी यहाँ मैं नीचे में रखता हूँ 2 mm तक। ठीक है दोस्तों, और इस साइड में मैं रखता हूँ, इस साइड में मैं रखता हूँ 3 mm तक। ठीक है दोस्तों, करने के बाद ये जो कार्व है ना इसको कीजिए ऑफसेट, ऑफसेट 2.5 तक। ठीक है दोस्तों, करने के बाद इसका एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका इन वगैरह नीचे में ही है ना, हाँ एकदम नीचे में। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे करना होगा यहाँ से स्केल। ठीक है, ये रहा स्केल, बिल्कुल इस मिडिल को पकड़ के एकदम यहाँ तक एक। ठीक है दोस्तों, करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पर जो मेरा 3 mm का एक सर्कल बनाया था ना उसका अंदर चला गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से स्केल यूज़ करूँगा, सॉरी फिर से मैं स्केल यूज़ करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरा ऊपर में है 2.5, नीचे में है 2 और साइड में है 3 mm। ठीक है, अब इस सारे सर्कल को मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके दोस्तों, ये देखिए मेरा ये जो ब्रेसलेट है ना इसका आईडी वगैरह मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा आईडी मुझे मिल चुका है ब्रेसलेट का, ठीक है,
इस सारे कार्ब को पकड़ के मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रुप, ठीक है। करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ हाइड, और इस स्केल को मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइड, ठीक है। अब फोन ओपन करता हूँ मैं टॉप व्यू को, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले रुकिए, फिर से मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा ब्रेसलेट का जो कार्ब मुझे मिल चुका है ना, इसका ऊपर में जो थाका बनेगा, यानी कि इसका ऊपर में जो साज बनेगा, इसको बनाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से इसको हाइड करता हूँ, करने के बाद टॉप व्यू को ओपन करता हूँ। करने के बाद अब मुझे इसका थाका बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए, तो अब मुझे यहाँ से एक बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मेरा सेंटर का बॉक्स है, इसको 7.5 का एक बॉक्स बनाइए, ठीक है दोस्तों। यानी कि 7.5 का मेरा ये बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब बनाने के बाद इसको यहाँ से कीजिए पॉस, ये रहा, ठीक है। इस इंड को पकड़ के इस इंड तक, ठीक है। करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरा एक कार्ब आ चुका है तो ऑलरेडी, ठीक है। इसको कीजिए ऑफसेट, ऑफसेट कीजिए 1.4 का, यानी कि 1.2 का मेरा यहाँ पर स्टोन बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से जेम लोडर को ओपन करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ से मुझे लेना होगा एक, सबसे पहले 5 mm का एक स्टोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा हो गया है मेरा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा कार्व है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। करने के बाद इसको फिर से कीजिए ऑफसेट 1.4 तक, ठीक है। ये देखिए मेरा सेंटर का जो स्टोन है उसके बाहर तो चला गया है ना एकदम, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इस कार्ब को मैं कर देता हूँ डिलीट। करने के बाद यहाँ से मुझे लेना होगा 1.2 का एक स्टोन, ये रहा, ठीक है। लेने के बाद इसको ऊपर में लेके जाइए एकदम बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। ले जाने के बाद इसको कॉपी कीजिए साइड में 1.4 का, ठीक है। कम से कम ये जो स्पेसिंग है ना, ये कम से कम 0.15 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कम से कम। तो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए, एंड और एंड 2.0 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा 0.05 तक, ठीक है। यानी कि 1.5 का मेरा यहाँ पर ग्रेजुएशन हो गया है, ये देखिए, ठीक है, 1.5 का। अब मुझे क्या करना होगा, इस स्टोन को पकड़ के यहाँ से करना होगा मिरर, ये रहा, ठीक है। सबको पकड़ के फिर से करना होगा मिरर यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से ये जो सारा स्टोन है, इसको पकड़ के करना होगा रोटेट 0 enter कॉपी यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब मुझे क्या करना होगा, इस एक स्टोन को पकड़ के यहाँ से कॉपी करके बिल्कुल यहाँ पर लेके आना होगा, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ग्रेजुएशन आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो स्टोन है इसको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको फिर से करता हूँ कॉपी, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो स्टोन है इसको पकड़ के यहाँ से कीजिए मिरर। अब इन दोनों स्टोन को पकड़ के फिर से करना होगा मिरर, ये देखिए मेरा एकदम स्टोन बैठ गया है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा कार्ब है ना, इस कार्ब को 3D बनाना पड़ेगा सॉलिड में, ठीक है। ये रहा, इसको बोथ साइड ऑफ करके -1.2 का इसका हाइट दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरा एकदम सॉलिड पीस बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, फिर से टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। ये जो मेरा 5 mm का जो स्टोन था ना, इसको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से कॉलेट बनाना पड़ेगा 5 mm, ठीक है। एक स्टोन को मैं कर देता हूँ, सॉरी, इस स्टोन को मैं कर देता हूँ यहाँ पर हाइट, ठीक है दोस्तों। करने के बाद ये जो मेरा कार्ब मिला मुझे, इसको ऑफसेट करना होगा 1 mm तक, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसका प्रोंग देना पड़ेगा, 1.2 का प्रोंग दीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि मेरा स्टोन जो यहाँ पर बैठेगा उसका प्रोंग बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ से इसका पॉइंट ऑन करके थोड़ा सा स्केल कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको मूव करके बिल्कुल यहाँ तक लेके जाइए, एकदम यहाँ तक, ठीक है। और थोड़ा सा लेके जाइए, कोई बात नहीं, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। करने के बाद इसको कर दीजिए एरे पोलर 4N, ठीक है। ये देखिए मेरा एकदम कार्व आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों कार्व को पकड़ के यहाँ से फिर से करना होगा सॉलिड, ठीक है दोस्तों। माइनस 1.2 तक, ठीक है दोस्तों। करने के बाद ये जो मेरा प्रोंग है इसको भी करना होगा बोथ साइड चालू करके 1.2 का, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको फ्लीट 0.6, कुछ ज़्यादा हो रहा है, 0.4, सॉरी, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब मुझे फिर से करना होगा इसको चैम्पर 0.7 का, यानी कि 1mm का मेरा मेटल था, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रोंग को पकड़ के यहाँ से कर दीजिए एरे पोलर, सॉरी, यहाँ से कर दीजिए एरे पोलर 0 एंटर 4 डबल एंटर। ये देखिए मेरा एकदम कॉलेट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हो जाने के बाद मेरा यहाँ पर जो स्टोन था उसको हाइट अनहाइट करके इन सारे चीज़ को, सॉरी यहाँ पर 2 स्टोन है, एक को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। करने के बाद ये जो मेरा प्रोंग मिला, इन सारे प्रोंग को पकड़ के पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। सारे सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रुप, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इस कॉलेट को थोड़ा सा स्टेपिंग देना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से मूव करता हूँ बिल्कुल यहाँ तक, एकदम यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए मेरा स्टेपिंग हो गया, तो एकदम मेरा स्टेपिंग एकदम हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इन यहाँ पर जो मेरा स्टोन है ना, यहाँ पर मुझे प्रोंग बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रोंग बिठाने से पहले दोस्तों मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, वो क्या, देखिए ये जो मेरा स्टोन है ना बाहर का, ये स्टोन मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये स्टोन मुझे चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं ये जो सारा स्टोन है इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है दोस्तों। मुझे ये जो सिर्फ पॉली सरफेस आपको दिख रहा है, ये पॉली सरफेस मुझे सिर्फ चाहिए अभी, ठीक है दोस्तों। और ये जो सेंटर का जो स्टोन है ना, इसको मैं करता हूँ यहाँ से हाइट, ठीक है। करने के बाद अब देखिए ये जो मेरा सारा पॉली सरफेस का पीस है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको करके, यहाँ से मैं करता हूँ ग्रुप, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मेरा जो ब्रेसलेट का कार्व था ना, जिन कार्व को मैंने सबसे पहले बनाया था ना, उस कार्व को मैं अनहाइट करता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसको मैं करता हूँ अनग्रुप, ठीक है। ये जो बाहर का कार्व आपको दिख रहा है, ये जो बाहर का कार्व, ठीक है, इस कार्व का मुझे लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस कार्व को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका लेंथ एक बार चेक करता हूँ कितना आता है, ठीक है। तो देखिए इसका लेंथ आया है 180.661 मिलीमीटर्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 180.661 का एक कार्व मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये जो कार्व मुझे मिला ना, इसको एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, इस एंड से एक लेके एकदम इस एंड तक। ये देखिए 180.660 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 0.1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। ये कार्व को पकड़ के, ये मिडिल को पकड़ के एकदम कर लेता हूँ सेंटर में, ठीक है। ये देखिए मेरा सेंटर में एकदम कार्व आ चुका है। अब ये कार्व को मैं करता हूँ हाइट, ठीक है दोस्तों। करने के बाद इस कार्व को भी करता हूँ मैं हाइट, ठीक है। तो अब देखिए अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा पॉली सरफेस है ना, इस पॉली सरफेस को मुझे ये कार्व के ऊपर में लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये जो कार्व है ना, इस कार्व के ऊपर में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव करता हूँ बिल्कुल यहाँ तक, एकदम यहाँ तक मूव करता हूँ, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, देखिए ये जो मेरा पॉली सरफेस है इसको करना होगा कॉपी, ठीक है, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए, ओके, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये पीस और ये पीस को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा
0.7 का इसका जाली दीजिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.7 हुआ और इसको पकड़ के फिर से दीजिए 0.5 का ग्रेजुएशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि 0.7 और 0.5, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या करना होगा मुझे, इन सारे पॉली सरफेस को पकड़ के मैं करता हूँ अनग्रुप, ठीक है। करने के बाद अब इसका बीच में मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, 1 mm का, 1 mm का मैंने एक बॉक्स बनाया। बनाने के बाद इस बॉक्स को मैं करता हूँ यहाँ पर मूव, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एकदम यहाँ पर मूव करता हूँ, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस सपोर्ट को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। कहाँ तक? बिल्कुल इस नीचे तक, ठीक है दोस्तों। इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल यहाँ तक मैंने डाउन किया। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चैम्पर बनाना पड़ेगा 0.8 का, ठीक है। ये रहा डबल एंटर, कुछ ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 0.5 का, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, फिर से मैं करता हूँ 0.4 का, इस कार्ब और इस कार्ब को सिलेक्ट करके डबल एंटर, ये देखिए अब ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस सपोर्ट को मैं करता हूँ यहाँ से मिरर 0 enter, ठीक है। करने के बाद इन दोनों को पकड़ के फिर से करता हूँ यहाँ से मिरर, ये देखिए, समझ में आ रहा दोस्तों, ये मेरा सपोर्ट एकदम आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे मेरा जो ब्रेसलेट का ओरिजिनल कार्ब था ना, उसको मैं करता हूँ अनहाइड, ठीक है। करने के बाद ये जो पॉली सरफेस है ना, इन तीन पॉली सरफेस को पकड़ के यहाँ से मैं करता हूँ फ्लो, FLO, ये रहा फ्लो, ठीक है। फ्लो करने के बाद यहाँ पर जो आपने अभी कार्ब ड्रॉ किया 180.661 का जो कार्ब अभी ड्रॉ किया आपने, उसको सिलेक्ट करके और ये ब्रेसलेट का ऊपर का कार्ब है ना, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आपको। ये पीस मेरा एकदम डोम में आ चुका है। डोम का मतलब क्या है, ये मेरा ब्रेसलेट का जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा डोम है ना, खाल वगैरह है, उसमें आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये सपोर्ट ये और इसको, इन चारों को सिलेक्ट करके फिर से मैं करता हूँ फ्लो, इन कार्ब को सिलेक्ट करके और इसको, ये देखिए, समझ में आ रहा दोस्तों, मेरा एकदम सपोर्ट यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा नीचे का पॉली सरफेस है ना, इन सारे पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके मैं करता हूँ ग्रुप, ठीक है। करने के बाद इसको करता हूँ हाइड, क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर जो अभी अपने पॉली सरफेस को अभी अपने यहाँ पर रखा, इसको कर दीजिए यहाँ से मिरर, ये देखिए मेरा ब्रेसलेट का ऊपर का जो खांचा है ना, वो एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरा स्टोन बैठेगा और ये बीच बीच में मेरा वो जो सेंटर का जो कॉलेट बनाया था ना मैंने, उसको बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो एकदम ठीक ठाक है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ ग्रुप, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। तो अब देखिए अब मुझे क्या बनाना होगा, इसका GB बनाना पड़ेगा और ये ब्रेसलेट का जो थिकनेस वगैरह होगा वो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप मुझे अभी फॉलो कीजिए। तो देखिए ये जो दोनों कार्ब है ना, इन दोनों कार्ब को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से करना होगा सॉलिड, ये रहा, ठीक है। ये दीजिए कम से कम 5 mm तक, सॉरी 2.5, यानी कि 5 mm तक इसका चौड़ाई मैंने रखा, ठीक है दोस्तों। इसको करता हूँ हाइड, करने के बाद एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए 5 mm, ठीक है, यानी कि इसका जो चौड़ाई हुआ है ना, ये 5 mm हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना होगा, इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके, आपको दिख रहा है ना एकदम, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे आप फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो पॉली सरफेस आपको मिला ना, अभी जाइए आप राइट व्यू में, ठीक है। जाने के बाद इसको थोड़ा सा टेपर बनाना पड़ेगा, कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊंगा, इस नीचे में मैं दूंगा 3 mm, ठीक है, और
यहाँ पर मिडिल में दूंगा 0 इंटर करके, इस मिडिल में दूंगा मैं 4 mm, ठीक है दोस्तों, समझ में ना दोस्तों, मेरा नीचे में होगा 3 mm और ऊपर में होगा 4 mm, ठीक है। अभी इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ से कीजिए केज एडिट, ये रहा केज एडिट, ठीक है दोस्तों, बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन डबल एंटर, ओके। करने के बाद ये जो पॉइंट आया है ना, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से कीजिए स्केल, ये रहा स्केल, इस मिडिल को पकड़ के एकदम एकदम यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आपको। फिर से इसको पकड़ के कीजिए एकदम यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, फिर से ये पॉइंट को पकड़ के, सॉरी इस पॉइंट को पकड़ के कीजिए एकदम यहाँ तक, यानी कि 4 mm जो अभी अपने सर्कल बनाया ना सेंटर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको फिर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कम कीजिए यहाँ से एकदम यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये कोई हड़बड़ी करने की चीज़ नहीं है, एकदम आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा टेपर हो गया है ना, एकदम नीचे में टेपर हो गया है और ऊपर में चौड़ा है, ठीक है। अब मुझे इस कार्ब को करना होगा डिलीट, ठीक है, करने के बाद आप देखिए मुझे बनाना होगा यहाँ पर GB और यहाँ पर जॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसका जो GB बनेगा, चलिए उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये जो कार्ब है इसको मैं करता हूँ डिलीट, करने के बाद यहाँ से बोथ साइड लाइन में चालू करूँगा 0 इंटर करके, एकदम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है दोस्तों। करने के बाद ये जो आपका पॉली सर्फेस है ना, इसको कर दीजिए हाइट, और मेन जो आपका कार्ब था, एक मिनट रुकिए, इस कार्ब को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, ये देखिए मेरा जो मेन जो कार्ब था ना ब्रेसलेट का, उस कार्ब को मुझे अभी ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो अंदर का जो कार्ब है ना और ये जो बाहर का कार्ब है, इन दोनों कार्ब को प्लीज़ आप किसी भी हालत में मिसिंग ना होने दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस दोनों कार्ब को आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मेन कार्ब है इसको कीजिए ऑफसेट, ऊपर में दीजिए 6 mm तक, ठीक है, ऊपर में ऑफसेट दीजिए 6 mm, ओके। अब ये कार्ब और ये कार्ब दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक कॉपी हाइट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ये जो कार्ब है ना, इस कार्ब को अभी मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो काटने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये कार्ब को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ट्रिम यूज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब फिर से इस कार्ब को और इस कार्ब को सिलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ ऊपर में, ये देखिए मेरा यहाँ पर दोनों कार्ब मिल चुका है ना, ये मेरा GB बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो मेरा मैंने जो अभी 6 mm का ऑफसेट यहाँ पर किया, ठीक है, तो इसके अंदर ही ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ही मेरा GB बनेगा, ओके। और ये जो GB मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज दोस्तों, इस GB को हार्ड कट जॉइंट में हार्ड कट GB जॉइंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, इस GB को हार्ड कट GB जॉइंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी मुझे क्या करना होगा, ये जो कार्ब है ना इसको कीजिए ऑफसेट, ऑफसेट कीजिए 2 mm तक, ठीक है, 2 mm कुछ ज़्यादा दे सकते हैं, 2.5 का दीजिए, ठीक है दोस्तों, 2.5 का मैंने ऑफसेट करा, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ कीजिए बिल्कुल 1 mm तक, ठीक है, ओके। करने के बाद अब ये जो अभी आपने 2 mm का ऑफसेट किया ना कार्ब को, उसका पॉइंट ऑन कीजिए, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको मैं करता हूँ डिलीट, एक पॉइंट को सिलेक्ट करके एकदम मूव करके यहाँ पर जो 1 mm का एक लाइन अभी ड्रॉ किया आपने, वहाँ तक लेके जाइए, ठीक है, समझ में आ रहा आपको। मेरा कार्ब कुछ इस तरफ जा चुका है, ठीक है। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कीजिए बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब करने के बाद मुझे क्या करना होगा, करने के बाद ये जो मेन आपका कार्ब है ना, इसको ऑफसेट कीजिए नीचे में 1 mm तक, ठीक है। करने के बाद ये जो 1 mm का अभी आपने ऑफसेट किया, इस कार्ब को सिलेक्ट करके यहाँ से कर दीजिए ट्रिम, ये मुझे नहीं चाहिए और ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ये बन गया मेरा GB, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना होगा,
ये जो मेरा नीचे का 1 mm का ऑफसेट किया था ना मैंने, इसको ऑफसेट कीजिए, सॉरी नीचे का नहीं, ये जो मिडिल का आपका, सॉरी ये जो मिडिल का जो आपका कार्ब था ना, इस मिडिल कार्ब को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑफसेट कीजिए 1 mm ऊपर में, ठीक है दोस्तों। और ये जो साइड का कार्ब है इसको भी ऑफसेट कीजिए यहाँ से 1 mm, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अब मुझे क्या करना होगा, ये कार्ब और ये कार्ब और इस कार्ब को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ से करना होगा ट्रिम, ठीक है। ये मुझे ऊपर का कार्ब नहीं चाहिए, इसको मैं करता हूँ ट्रिम, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। ये देखिए, ये देखिए मेरा जीबी का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर एक कार्ब है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये देखिए मेरा जो जीबी का प्रोसेस है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। एक मिनट रुक जाइए, ये चीज़ आपको बहुत ही ईजी तरीके में मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। करने के बाद इसको मैं करता हूँ ट्रिम, ये देखिए मेरा एकदम जीबी का जो प्रोसेस है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। इसको करना होगा जॉइंट, ठीक है। जॉइंट करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इन सारे कार्ब को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। करने के बाद इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ मेरा जो सेंटर का जो कार्ब था उसी को मैंने रखा, ठीक है दोस्तों। रखने के बाद आप सारे चीज़ को मैं अनहाइड करता हूँ, ठीक है। करने के बाद अब देखिए ये जो मेरा थाका है, ये जो मेरा थाका है, इसको मैं करता हूँ हाइट, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा पॉली सर्फेस है ना, मेरा तो एक साइड में जीबी मेरा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब मुझे इस साइड में मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा जॉइंट बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मेरा जीबी है और मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको मैं करता हूँ हाइट। हाइट करने के बाद आप देखिए ये जो मेरा दोनों कार्ब है ना, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए बिल्कुल यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, ठीक है। करने के बाद यहाँ से एक सर्कल लीजिए, इस लाइन का मिडिल पकड़ के इसको दीजिए 5 mm का एक सर्कल, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। ये जो सर्कल है इसको अब बनाना पड़ेगा सॉलिड, ठीक है। यहाँ से एक सॉलिड बनाइए बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब सारे चीज़ को अनहाइट कीजिए, ठीक है दोस्तों। करने के बाद ये जो मेरा पॉली सर्फेस और ये जो पॉली सर्फेस है इसको हाइट करना पड़ेगा। करने के बाद आप देखिए ये जो मेरा कार्ब, सॉरी ये जो मेरा पॉली सर्फेस है ना, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉली सर्फेस को पकड़ के यहाँ से करता हूँ बुलिन स्प्लिट इस पॉली सर्फेस के साथ। ये देखिए, ये देखिए मेरा एक पॉली सर्फेस ऑलरेडी यहाँ पर कटिंग होके अलग हो चुका है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे टॉप व्यू में जाके ना यहाँ से सरफेस, एक नॉर्मल सरफेस बनाना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। अब इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कीजिए यहाँ तक, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो आपका कटिंग हुआ पॉली सरफेस है ना, इसके साथ ना टच में रहे, ठीक है दोस्तों। अब हो जाने के बाद इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ से करना होगा बुलिन स्प्लिट इस पॉली सरफेस के, इस सरफेस के साथ, सॉरी। ये देखिए मेरा नीचे का एक कटिंग हो चुका है और ऊपर का एक कटिंग हो चुका है, ओके दोस्तों। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मिडिल का जो अभी आपने पॉली सरफेस बनाया कटिंग, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कीजिए बाहर में, क्योंकि यहाँ पर मेरा जॉइंट बनेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने 5 mm साइड में रखा, ठीक है। रखने के बाद अब मुझे इसको क्या करना होगा, तो अभी ये जो पॉली सर्फेस है ना, इसको एक बार मापता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एंड तक ये देखिए 4.04 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये देखिए मेरा ये जो कटिंग हुआ मेरा पॉली सर्फेस है ना, ये एक है, इसको 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये इस एक पॉली सर्फेस को 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मापने के बाद कितना आया, 4.04, ठीक है। तो अभी मुझे इस कैलकुलेटर को ओपन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर करने के बाद 4.04 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये कितना आता है, 1.34 का आता है। माने एक एक ये 3 में अगर आएगा, सॉरी ये अगर 3 में आएगा तो एक एक का माप होगा 1.34 तक, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करूँगा,
करने के बाद इसको मैं ऑफसेट करूँगा 1.34 तक, ठीक है। करने के बाद ये लाइन को अभी मुझे मिरर करना पड़ेगा इस मिडिल से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अब इन दोनों कार्ब को पकड़ के मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक सरफेस बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। अब मुझे ये जो एक पॉली सरफेस है ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बुलिन स्प्लिट करना होगा इन दोनों सरफेस के साथ। ये देखिए मेरा तीन में डिवाइड हो चुका है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। इस पॉली सरफेस को मैं करता हूँ डिलीट। अब इन तीनों पॉली सरफेस को पकड़ के ना मैं अपनी जगह में लेके जाता हूँ 5 mm। ये देखिए ये अपनी जगह में आ चुका है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हो जाने के बाद इस मिडिल का जो पॉली सरफेस है इसको सिलेक्ट करके और नीचे का जो पॉली सरफेस है ना उसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो साइड का जो पॉली सरफेस है इन दोनों को सिलेक्ट करके इस ऊपर के साथ कर दीजिए ग्रुप, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अब ये हो जाने के बाद और एक चीज़ को करना पड़ेगा मुझे, क्या देखिए, वो यहाँ से एक बोथ साइड लाइन मुझे चालू करना होगा इस मिडिल को पकड़ के ना, ये रहा, ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर मेरा एक तार जाएगा, यानी कि जो जॉइंट होगा ना इसको पाइप करना पड़ेगा, PI पाइप 0.6 का, ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, क्लियर। अब ये हो जाने के बाद दोस्तों अब मुझे क्या करना होगा, मेरा यहाँ पर जो GB है ना, ठीक है, अब इस GB का जो जगह होगा वो मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे देखिए, ये ऊपर का जो पॉली सरफेस है ना इसको पहले कीजिए अनग्रुप, ठीक है। करने के बाद इस पॉली सरफेस को पकड़ के करना होगा एक्सप्लोर, ठीक है। करने के बाद इस नीचे का जो सरफेस है इसको कर दीजिए डिलीट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मेरा डिलीट हो चुका है एकदम नीचे का सरफेस। अब इन साइड का जो सरफेस है ना, ये साइड का जो सरफेस है इसको कीजिए ऑफसेट सरफेस, ठीक है। इसका एरो फ्लिप कीजिए, सॉलिड कीजिए 1 mm तक, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। अब फिर से मैं करता हूँ इस साइड का फ्लिप ऑल सॉलिड 1 mm, ओके दोस्तों, ये देखिए मेरा नीचे का जो बिजिल का पोर्शन है ना वो एकदम रेडी हो चुका है, समझ में आ रहा है तो आपको एकदम, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मेरा यहाँ पर जो GB था ना, तो रुकिए, सबसे पहले और एक चीज़ को करना पड़ेगा, क्या देखिए, इस ऊपर का जो सरफेस है ना, इस ऊपर का जो सरफेस है इसको भी करना होगा ऑफसेट सरफेस, ठीक है दोस्तों, फ्लिप ऑल सॉलिड 0.5 तक दीजिए, ओके। अब दे हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो सारा पॉली सरफेस है इसको सिलेक्ट करके कर दीजिए ग्रुप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो GB था ना, इस GB का कार्ब को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब देखिए यहाँ पर से इसको सॉलिड बनाना पड़ेगा, कहाँ तक, बिल्कुल यहाँ पर जो गैप दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये 2 mm तक इसका चौड़ाई दीजिए, यानी कि ये जो गैप मेरा बिजिल का अंदर जो गैप है ना वहाँ पर मेरा GB फिटिंग हो जाएगा आराम से, ठीक है दोस्तों। तो रुकिए, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ तो आपको भी इजी हो जाएगा इसको समझने में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं रोटेट करता हूँ इस मिडिल से, ये देखिए, ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। ये देखिए मेरा GB का एकदम रेडी हो चुका है, GB का जो प्रोसेस है ना, ये देखिए ये मेरा एकदम रेडी हो चुका है, ओके। और इस GB को दोस्तों, ये जो GB आपको मैं आज दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस GB को बोला जाता है हार्ड कट GB जॉइंट, ओके दोस्तों, इस GB को हार्ड कट GB जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ को मुझे करना होगा, वो क्या देखिए, यहाँ पर मेरा इस GB के अंदर जो यहाँ पर घाट है ना, ये घाट जो आपको दिख रहा है, इस घाट को यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर मुझे इस घाट का जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर ये GB अंदर जाके लॉक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो करने के लिए देखिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं करूँगा इस GB को हाइट, ठीक है। करने के बाद ये देखिए यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, बिल्कुल इस एंड से लेके इस एंड तक, ठीक है। करने के बाद इस कार्ब को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा इस एंड से लेके 1 mm तक, ठीक है, यहाँ पर आता है, ओके। इन दोनों कार्ब को पकड़ के लॉफ्ट करूँगा, इन दोनों कार्ब को पकड़ के ना लॉफ्ट करना पड़ेगा,
LOFT लॉफ्ट। ओके दोस्तों, ये देखिए मेरा लॉफ्ट हो चुका है एकदम। अब इस सरफेस को पकड़ के ना ऑफसेट सरफेस करूँगा, ठीक है, फ्लिप वॉल है सॉलिड करूँगा 1 mm तक। ओके ये देखिए मेरा यहाँ पर मेरा एकदम घाट रेडी हो चुका है, समझ में आ रहा है। ये देखिए ये जो घाट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इस घाट में मेरा जीबी का जो पोर्शन है ना, तो रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा वही होगा। ये देखिए ये रहा मेरा जीबी, ठीक है, ये रहा मेरा जीबी और ये रहा मेरा घाट, ठीक है। तो चलिए सबको मैं अनहाइड करता हूँ, करने के बाद इस थाका को मैं हाइड कर देता हूँ, रुकिए, ठीक है। आप क्या करूँगा, यहाँ पर जो पॉली सरफेस है ना 1 mm का, उसको पकड़ के इन सारे सरफेस के साथ, ये सारे पॉली सरफेस के साथ मैं कर दूँगा ग्रुप। ओके दोस्तों, करने के बाद इसको मैं कर दूँगा हाइड। ओके ये देखिए मेरा एकदम ब्रेसलेट का प्रोसेस एकदम रेडी हो चुका है। ओके समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा थाका है ना दोस्तों, इस थाका को मुझे अब इसका बिजिल बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो थाका है इसका बिजिल बनाना पड़ेगा और ये मेरा ब्रेसलेट के अंदर इसको फिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे ये करता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ ताकि मेरा काम करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। इसको भी हाइड कर देता हूँ, ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये रहा मेरा ब्रेसलेट का थाका, ठीक है। अब यहाँ से लीजिए डुप्लीकेट एज, ओके, ये रहा डुप्लीकेट एज। ये देखिए यहाँ पर जो नीचे का जो पोर्शन है ना, इन पोर्शन को डुप्लीकेट कीजिए, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए, ओके, ये जो बाहर का जो पोर्शन है ना, बिजिल इसके बाहर से जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि मेरा बिजिल जो बनेगा ना, वो बिजिल एकदम यहाँ से लेके ये बाहर से जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके तो ये करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ। देने के बाद आप ये जो कर्व है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से मिरर 0 enter। ओके दोस्तों ये देखिए मेरा, सबसे पहले मैं इसको हाइट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, मेरा कर्व ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है मेरा, इसको भी करना होगा मिरर, ठीक है, 0 enter। ये देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये मेरा नीचे का जो मेरा थाका का जो नीचे का पोर्शन है ना, उसका डुप्लीकेट एज मुझे मिल चुका है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ग्रुप, ओके, करने के बाद सबको अनहाइड करता हूँ सबको, ठीक है। करने के बाद आप देखिए इस पॉली सरफेस को हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ब्रेसलेट का जो आपका मेन कर्व है, यानी कि ब्रेसलेट का जो आपका साइज है ना, उस कर्व को पकड़ के मुझे यहाँ से करना होगा एक सरफेस बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा सरफेस, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा कर्व था, ये रहा मेरा कर्व, इस कर्व को सबको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। करने के बाद इस सरफेस को सिलेक्ट करना होगा, ओके। करने के बाद यहाँ से मुझे करना होगा पुल, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों, मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना होगा, मुझे करना होगा पुल, ठीक है। ये रहा मैंने किया पुल, ये देखिए मेरा सरफेस के ऊपर एक डुप्लीकेट बॉर्डर मेरा आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ऊपर का जो कार्व था उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा कार्व है ना, इसको थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा, कैसे देखिए। सबसे पहले मैं वॉर फ्रेम करता हूँ, ठीक है, करने के बाद ये सारा कार्व को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, समझ में आया आपको मैं कौन सा कार्व को सिलेक्ट किया, ठीक है। करने के बाद अब देखिए यहाँ से मुझे ट्रिम यूज़ करना होगा, ओके, ये जो अंदर का जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये देखिए मेरा अंदर का जो कार्व का पोर्शन है उसको सबको कटना पड़ेगा, ठीक है, कटिंग करना पड़ेगा सबको, ये देखिए, ओके। अब हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो कार्व बाहर है ना, इसको भी कट के एकदम क्लियर बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा सबको, ये रहा, इसको भी कटिंग करना पड़ेगा, इसको भी कटिंग करना पड़ेगा और इसको भी, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर है इसको, इसको, सबको, ठीक है, जितना भी कार्ड बाहर रहेगा एक्स्ट्रा में, उस सबको कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इस कार्ड को फॉलो करके ना, मेरा जो बिजिल बनेगा,
ठीक है, वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, मेरा हो गया सब कटिंग, इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर जो कार्ब मेरा ऑलरेडी बन चुका है ना, इसको ऑफसेट कार्बन सरफेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा ऑफसेट कार्बन सरफेस, सरफेस को सिलेक्ट करके ना 1 mm तक इसका थिकनेस बनाइए। ठीक है, यानी कि इसका चौड़ाई जो होगा, ये देखिए 1 mm तक मेरा चौड़ाई हो चुका है। ओके दोस्तों, अब क्या करना होगा, इन दोनों कार्ब को पकड़ के ना, इन दोनों कार्ब को पकड़ के मुझे ट्रिम यूज़ करना होगा इस सरफेस के साथ। ठीक है, ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, मेरा यहाँ पर बिजिल का एक सरफेस ऑलरेडी बन चुका है। अब इस सरफेस को सिलेक्ट करके ना ऑफसेट सरफेस बनाइए। ओके, ऑफसेट सरफेस। और एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर में होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपका जो यहाँ पर मेन कार्ब है ना ब्रेसलेट का, उसका ऊपर में सॉलिड होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको सॉलिड रखता हूँ 1 mm तक। ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये मेरा एकदम बिजिल बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं सारे चीज़ को अनहाइट करता हूँ। ओके, करने के बाद इसको मैं हाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं हाइट कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पर जो बिजिल का एकदम प्रोसेस बन के रेडी हो चुका है ना एकदम, ये रहा मेरा ऊपर का थाका और ये रहा उसका बिजिल। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए बिजिल जो है ना, ये एकदम नेकेड है। ओके, ये एकदम खुला है। ओके, तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप करके ये जो आपका कुटी है ना, यानी कि इसका जो सपोर्ट है ना, इसको स्केल करना पड़ेगा। यहाँ से मैं स्केल करता हूँ। ओके, बिल्कुल इस मिडिल से लेके एकदम इस मिडिल तक, और इसको नीचे में लेके आइए एकदम यहाँ तक, ये देखिए। ओके दोस्तों, ये मेरा सपोर्ट एकदम हो चुका है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो और एक करना पड़ेगा, इसको इस मिडिल से लेके इस मिडिल तक और एकदम यहाँ तक, ये देखिए। ओके दोस्तों, मेरा यहाँ पर एकदम सपोर्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस साइड का जो सपोर्ट है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद ये जो सारा मेरा सपोर्ट अभी बना है ना, इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ यहाँ से मिरर, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा एकदम सपोर्ट बन के रेडी हो चुका है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप चाहो तो दोस्तों, इसका मिडिल में ना, इसका मिडिल में एक एक सपोर्ट आप दे सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में शायद समझा सका। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले मेरा इस चैनल से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन सारे चीज़ को पकड़ के मैं कर देता हूँ ग्रुप। ठीक है दोस्तों, करने के बाद सबको अनहाइट करता हूँ। आप देखिए, अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर से ना मुझे कटिंग कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए मेरा ब्रेसलेट का जो पॉली सरफेस है ना, वो पूरा चला गया है। ठीक है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू को ओपन करूँगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। कैसे, बिल्कुल यहाँ से लेके ना एकदम यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इन लाइन को मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, करने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ से मिरर, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों कार्ब को पकड़ के ना पहले देख लेता हूँ कि ठीक ठाक है ना। हाँ, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको बनाइए यहाँ से सरफेस, ये रहा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना होगा, आप यहाँ पर जो पॉली सरफेस है ना, इसको कटिंग करना पड़ेगा। कैसे, इन पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद ये जो मेरा पॉली सरफेस है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं करता हूँ बुलिन स्प्लिट इन दोनों सरफेस के साथ, एंटर कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मेरा एकदम कटिंग हो चुका है। सबसे पहले मैं इसको लॉक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ अनग्रुप। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा एकदम ब्रेसलेट का एकदम प्रोसेस देखिए एकदम रेडी हो चुका है बनके। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको एकदम क्लियर। बहुत ही इजी तरीके में मैंने इस प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, करने के बाद ये देखिए। ओके, मेरा यहाँ पर GB एकदम रेडी हो चुका है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको मैं दिखाता हूँ। चलिए,
ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा दोस्तों, तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा दोस्तों, इसके ऊपर इसके जो बीच बीच में मेरा वो जो कॉलेट था ना उसको बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से अनहाइट करता हूँ। इसको करने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मेरा स्टोन गायब हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से एक स्टोन ले लेता हूँ, 5 mm का, ये रहा, ठीक है दोस्तों। करने के बाद इसको मैं ऊपर ऊपर में लेकर आता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा कॉलेट है ना, इसके इसके बीच बीच में मैंने मुझे लेके आना होगा, ठीक है। ये देखिए मेरा स्टोन आ चुका है एकदम। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रुप सरफेस है ना, पॉली सरफेस, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद ये जो मेरा कॉलेट है और ये जो मेरा स्टोन है, इसको करना होगा ग्रुप, ठीक है। करने के बाद इस ग्रुप को मैं यहाँ से करता हूँ लॉक, और इन सारे पॉली सरफेस को पकड़ के मैं एक दूसरा लेयर में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ अनलॉक, ठीक है। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे और एक चीज़ से गलती हो गया, क्या देखिए, वो चीज़ है मेरा ये जो कॉलेट है ना, इस कॉलेट को मुझे ना सबके अंदर बिठाना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं कॉपी करता हूँ बिल्कुल, नियर को चालू करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ हाइट, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मेरा 3 कॉलेट मेरा मुझे मिल चुका है एकदम। अब मैं सारे चीज़ को अनहाइट करता हूँ। करने के बाद इसको मूव करके ऊपर में लेके जाना होगा। कैसे, मैं फ्रंट व्यू से इसको ऊपर में बिल्कुल यहाँ तक बिठाता हूँ, ठीक है। बिठाने के बाद आप देखिए, ये जो मेरा कॉलेट है ना, इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा बिल्कुल यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, ठीक है। इसको पकड़ के रोटेट करिए बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। फिर से इसको पकड़ के यहाँ से रोटेट कीजिए बिल्कुल यहाँ तक, फिर से इसको पकड़ के रोटेट कीजिए बिल्कुल एकदम यहाँ तक। ये देखिए मेरा कॉलेट के ऊपर एकदम आ चुका है, मेरा थाका के ऊपर मेरा कॉलेट आ चुका है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। और इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये कुछ जाली ज़्यादा हो रहा है, इसको इसको क्या करना होगा, रोटेट करके ना एकदम जगह में बिठाना पड़ेगा। मैं यहाँ तक करता हूँ, इसको भी रोटेट कर लेता हूँ बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। इसको देख के आपको बिठाना पड़ेगा, ओके दोस्तों। ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको एकदम क्लियर, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये रहा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ओके। अब मैं इन कॉलेट को मुझे करना होगा यहाँ से मिरर, ठीक है, ये रहा, ये देखिए, ओके, एकदम क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेरा स्टोन बैठेगा ना उसको बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टोन बिठाने का प्रोसेस मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ फिर से, ठीक है। सिर्फ मुझे ये पॉली सरफेस चाहिए जिसके ऊपर स्टोन मेरा बैठेगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉली सरफेस को सिलेक्ट करके मैं F6 से जेम ऑन सरफेस करता हूँ, ओके दोस्तों। जेम ऑन सरफेस करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसका मिडिल में मुझे मेरा एक स्टोन बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये देना पड़ेगा 1.2 का बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो स्पेसिंग वगैरह है ना, इसको कम करना पड़ेगा। कैसे, ये रहा स्पेसिंग, इसको दीजिए 1.5 तक, ठीक है। तो स्टोन बिठाने का प्रोसेस तो मैंने कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। तो फिर से मैं कोशिश करता हूँ जितना इजी तरीके में आपको समझाने का, ठीक है। ये हो गया, मैं एक पीस के ऊपर आपको स्टोन बिठा के दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और सारा पीस को ना आपको, सारा जो आपका पीस है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पकड़ के रोटेट करता हूँ, 0 enter, कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। पहले इसको
हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका बीच बीच में मेरा मुझे स्टोन बिठाना पड़ेगा। फिर से मैं करता हूँ जेम ऑन सरफेस, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ पर एक स्टोन बिठाता हूँ बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। करने के बाद स्टोन को ना, स्टोन को यहाँ से करता हूँ मिरर। ये आपको देख के करना पड़ेगा दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आप सब मेरा साथ देंगे, ओके, एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरा स्टोन एकदम बैठ के रेडी हो चुका है ना, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन सारे स्टोन को पकड़ के, इन सारे स्टोन को पकड़ के ना मुझे ग्रुप करना होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ग्रुप, ठीक है। करने के बाद यहाँ से मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, ये रहा सेटिंग, ये रहा प्रॉन्ग बिल्डर, जेम को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। करने के बाद ये देखिए मेरा यहाँ पर प्रॉन्ग ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसका डायमीटर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने तो पिछले कई वीडियो में इसके ऊपर आपको बताया था, तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। इसका स्पेसिंग थोड़ा सा टेपा, ठीक है, कोई बात नहीं, 0.57, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 6875, ठीक है ये। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरा कई वीडियो में मुझे मैंने कई वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको राइट क्लिक करके छोड़ देता हूं, ये देखिए मेरा प्रॉन्ग एकदम आ चुका है, ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो यही प्रोसेस में आपको इन सारे पॉली सरफेस के ऊपर स्टोन बिठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सब पॉली सरफेस के ऊपर मैंने स्टोन बिठा के एकदम रेडी करके रखा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जूम, ठीक है। ये देखिए मेरा एकदम ब्रेसलेट बन के रेडी हो चुका है, ओके दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ मेरा बहुत पेज देखिए मेरा बहुत स्लो हो रहा है पेज, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका लोड जो है ना ये कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं वीडियो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे दोस्तों, तो मैंने तो पूरा कोशिश किया आप सबको समझाने का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे।